The biggest sentence of 2020 is kindly mute yourself or kindly unmute yourself. So that is what we started with. A very happy Teacher's Day to all of you. And today is 5th of September. So wishing you all a very, very, very happy Teacher's Day. Not only to the teachers, but to the moms who have been wonderful teachers in this 2020. So before we start our Small Wonders Play Date today, let me tell you something about Teacher's Day and why do we celebrate Teacher's Day. So 5th September is the birthday of Sarvepalli Radhakrishnan, who was the second president of India. He was an educationist by heart, and that is why his birthday is celebrated as Teacher's Day. Globally, Teacher's Day is celebrated on 5th of October, but in India, we celebrate it on 5th of September to express our gratitude, our love, affection towards our teachers. And the hardships, the efforts that the teachers take, we really want to acknowledge that. So we celebrate Teacher's Day. And on this Teacher's Day, let's see what Small Wonders Play Date has for you all. So today we are going to chant the shlok Guru Brahma Guru Vishnu, because that shlok is dedicated to the entire teacher and guru community. Then we have a wonderful song, We Love You Teachers, which small children here are going to present in front of you. Then we have a story of seven-tailed mouse, Saat Puchdi Vaalo Undar. या सात पुछड़ी वाला माउस, वंडरफुल। उसके बाद फिर से हम क्लासरूम में चलेंगे जहां पर हम डांस करने वाले हैं टीचर्स डे के एक स्पेशल सॉन्ग पर। थोड़ा सा योगा करेंगे, एक टीचर्स डे का हम ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगे और उसके बाद हम बहुत मस्त गेम खेलने वाले हैं। सो आई विल नॉट टेक मच टाइम, लेट्स गो इन टू द क्लासरूम वेयर टीचर्स आर वेटिंग फॉर अस। Good morning, children. Prepare time. Join your hands and close your eyes. Guru Guru Brahma Krishna Guru Devo Vishvakarma Guru Saksha Brahma Guru Maura. Good morning, Didi. Good morning, Didis, and happy Teachers' Day to you all, Didis, and thank you so much. हर दिन हर रोज हमारे बच्चों को सब कुछ बहुत अच्छा सिखाने के लिए, थैंक यू दीदीज। और अब मैं देख रही हूँ कि सारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो डांस के लिए रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग फिर से क्लास के अंदर जाएंगे। तो आप लोग सब रेडी हो? मैं देख सकती हूँ धीर दीवान भी ज्वाइन हुए हमारे साथ, रिया फातिमा भी ज्वाइन हुई है हमारे साथ और प्रणय भी ज्वाइन हुआ है हमारे साथ। हेलो एवरीवन, हैप्पी टीचर्स डे आप सब लोगों को। वाओ, वंडरफुल वंडरफुल। तो आप लोग सब डांस करने के लिए रेडी हो ना बेटा? जैसे जैसे यहाँ पर हम डांस दिखाएंगे आपको भी वैसा ही डांस करना है, ठीक है? वंडरफुल। तो चलिए हम लोग क्लासरूम में चलते हैं जहां पर हमारे साथ हृदय, प्रियम, प्रमन और लवदी चार बच्चे जुड़े हैं डांस के लिए। चलिए तो चलते हैं क्लासरूम में। Thank you.
Wonderful children, wonderful. I'm so happy. बहुत अच्छा गाना आपने गाया. We love you teachers, we love you teachers. Thank you so much. और अब हम लोग स्टोरी के लिए चलते हैं. तो मैं यहाँ पे रेडी हूँ स्टोरी के साथ और आप लोग सब भी जल्दी से जुड़ जाओ मेरे साथ. Wonderful. तो ये वाली स्टोरी में वी कैन सी देयर इज अ माउस. आप लोगों को सबको ये माउस दिख रहा है? यस. और इसके साथ ये माउस की जो है वो मम्मी है. तो ये छोटा सा माउस है, इसके पास 7 टेल्स हैं. ओ माय गॉड, इसके पास 7 टेल्स हैं. और ये स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया है. मम्मी को बोल रहा है, बाय मम्मी, मैं स्कूल जा रहा हूं. यस. और अब जो है ये जो माउस है आप देख रहे हो, इसकी टेल्स पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ओ ओ ओ, ये माउस की तो 7 टेल्स है. और ये माउस अपने पीछे बैग लगाकर स्कूल में जा रहा है. तो सब लोग पहले माउस को बोलेंगे, हेलो माउस. चलो सब लोग माउस को बोलो, हेलो माउस. एंड द माउस सेज हेलो टू यू, हेलो, वाओ. और अब ये माउस कहाँ जा रहा है? स्कूल में. यस, द माउस इज गोइंग टू द स्कूल. वंडरफुल. और अब माउस पहुंच गया स्कूल के अंदर. लेकिन जब स्कूल के अंदर जा रहा था तब सारे बच्चे इस माउस को क्या कह रहे थे? सारे बच्चे जब मैं आ रही हूँ यहाँ पर स्क्रीन में, उसमें कुछ कह रही हूँ, मैं इस स्क्रीन में आ रही हूँ. यस. तो ये जो माउस की स्टोरी मैं बता रही थी, इस माउस को 7 टेल्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. और ये माउस एवरी डे स्कूल जाता है. आप लोग जाते थे ना पहले बैग लेकर स्कूल में, ऐसे वो स्कूल जा रहा था. वहां पर उसके सारे फ्रेंड्स जो थे वो उसको रोज टीज करते थे, रोज चिढ़ाते थे. ओ माउस, तेरे पास तो 7 टेल्स है, हा हा हा, तेरे पास तो 7 टेल्स हैं, ऐसे करके हंसते थे. और ये माउस रोज वापस घर आके अपनी मम्मी के पास क्राइंग करे, मम्मी मम्मी आप देखो ना, सब फ्रेंड्स मुझे टीज कर रहे हैं कि मुझे 7 टेल्स है. तो मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने कहा, अगर ऐसा है तो तू अपनी 1 टेल जो है वो कट कर दे. तो माउस गया बार्बर के पास और अपनी जो 1 टेल है उसने वो टेल कर दी कट. तो अब माउस के पास कितनी टेल्स हो गई? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. माउस के पास 6 टेल्स हो गई. माउस तो फिर से हैप्पी हो गया और चला स्कूल. अरे वाह, ला 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 ला, मैं तो जा रहा हूँ स्कूल, ला 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 ला, मैं तो जा रहा हूँ स्कूल, ऐसे करके स्कूल में पहुंचा. और स्कूल में फिर से उसके फ्रेंड्स बोलने लगे, हा हा हा, अरे माउस 6 टेल्स है तुम्हारे पास, ओ ये माउस तो 6 टेल्स वाला है, हा हा हा. और फिर से माउस घर आके रोने लगा, मम्मा मम्मा देखो मुझे ये सब लोग बोल रहे हैं 6 टेल्स. तो मम्मा ने बोला, ऐसा है तो तू फिर से अपनी जो एक टेल है वो कट करवा ले, कोई बात नहीं, तो अब तुझे कोई चिढ़ाएगा नहीं. और ऐसे माउस ने अपनी और एक टेल जो है वो कट करवा ली. अब कितनी टेल्स रह गई माउस के पास? 1, 2, 3, 4, 5. माउस तो हैप्पी, फिर से स्कूल गया. मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा. फिर से सारे चिल्ड्रन हंस रहे हैं जोर जोर से, माउस विथ 5 टेल्स, माउस विथ 5 टेल्स. फिर से माउस रोने लगा. ऐसे कर करके माउस की एक एक करके सारी टेल्स कट हो गई. अब रह गई माउस के पास सिर्फ 1 टेल.
क्योंकि रोज माउस स्कूल जाएगा और रोज उसके फ्रेंड्स हंसेंगे, तो रोज घर पे आएगा और क्राइम करेगा, तो मम्मी ने एक एक टेल निकाल दी। अब माउस के पास कितनी टेल है, आप देखो कितनी टेल है माउस के पास, वन टेल। अब ये माउस एकदम हैप्पी हैप्पी, आप लोग भी हैप्पी हैप्पी हो जाओ और जंपिंग करते हुए स्कूल जा रहा है, चलो आप भी जाओ जंपिंग करते हुए, हो हैप्पी हैप्पी, हो अब तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओह आई एम सो हैप्पी। ऐसे करके तो माउस स्कूल में गया, फिर से उसके सारे फ्रेंड्स उसको चिढ़ाने लगे, माउस को एक टेल है, माउस को वन टेल है। माउस फिर से रोने लगा और फिर मम्मी ने बोला, तू एक काम कर, इस टेल को भी कट करवा ले। इसने इस टेल को भी कट करवा लिया, अब माउस के पास कोई टेल नहीं है, तो माउस खुश हो गया, अब मैं स्कूल जाऊंगा तो कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि मेरे पास तो कोई टेल ही नहीं। माउस फिर से जंपिंग करता करता स्कूल जाता है और फिर सारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं, माउस विथ नो टेल, माउस विथ नो टेल, ये माउस कैसा है, इसकी तो कोई टेल ही नहीं है। फिर से माउस गया मम्मी के पास, तो मम्मी ने बोला, बेटा माउस के पास एक टेल होती ही है, मैं तुम्हें एक टेल लगा देती हूँ, और फिर बच्चे अगर तुम्हें चिढ़ाए तो तुमको उन पर ध्यान नहीं देना है, तुमको स्ट्रॉन्ग बनना है, क्राइंग नहीं करना है। हम सब छोटे छोटे बच्चे क्राइंग करते हैं ना घर पे कभी कभी, कितने क्राइंग करते हैं, चलो रेज योर हैंड्स, चलो चलो चलो। तो जो स्ट्रॉन्ग बच्चे होते हैं वो क्राइंग नहीं करते, स्ट्रॉन्ग बच्चे जो होते हैं वो हमेशा स्माइल करते हैं, क्राइंग नहीं करते हैं। तो ये माउस ने सोचा, अब मेरे फ्रेंड्स हंसेंगे, मुझे चिढ़ाएंगे, कुछ भी करेंगे, पर फिर भी मैं स्माइलिंग ही रहूंगा। तो ये माउस स्माइलिंग ही करता था हमेशा। कैसे स्माइल करता था मुझे दिखाओ, ये। और फिर माउस रोज स्कूल जाए और रोज स्माइल करे, फ्रेंड्स हंसे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसने क्राइंग स्टॉप कर दिया था, क्राइंग स्टॉप कर दिया था। तो अभी बच्चों, अगर आप लोग घर पे क्राइंग करोगे तो आपका नाम क्या बन जाएगा, क्राइंग माउस। तो आपको क्राइंग माउस बनना है कि स्माइलिंग माउस बनना है, बताओ मुझे, क्राइंग माउस बनना है कि स्माइलिंग माउस, स्माइलिंग माउस, यस। और फिर रोज स्कूल जाए, फ्रेंड्स के साथ खेले और इंजॉय करता था। तो आप बोलो बाय माउस को, बोलो बाय। और याद रखना है हमको क्या, कि हमको क्या बनना है, स्माइलिंग माउस, क्राइंग माउस नहीं बनना है। वंडरफुल। तो चलो अब हम योगा करने के लिए, नहीं डांस करने के लिए, हाँ मैं देख रही हूँ फिर से हृदय, लब्धि, प्रमन और प्रियम जुड़ चुके हैं डांस के लिए, तो आप सब लोग फिर से एकदम वार्म अप हो जाओ डांस के लिए, चलो चलते हैं क्लासरूम में। Thank you.
वंडरफुल, बहुत बहुत सुंदर. थैंक यू सो मच रॉकी, थैंक यू सो मच बॉबी, प्रमन, लब्बी फॉर सच ब्यूटिफुल सॉन्ग. और सारे बच्चे जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे, भूल मत जाना आज अपने टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे बोलना है. और अब हम करेंगे योगा. तो आपके पास अगर योगा की मैट हो तो जल्दी से ले लो, अगर मैट नहीं है तो कोई भी मैट आपकी चलेगी. रेडी कर लो और हम लोग योगा करेंगे. योगा के लिए हमारे पास रमन है. रमन हमको आज तीन पोजेस दिखाने वाले हैं. कौन से पोजेस हैं, मैं नाम बोलूंगी उनका. जिराफ पोज, सी लायन पोज और टाइगर पोज. तो चलिए हम चलते हैं क्लासरूम में, जहां पर रमन रेडी है योगा दिखाने के लिए. एंड माय डियर चिल्ड्रन, आप लोग सब भी रेडी हो जाओ जल्दी से योगा करने के लिए. चलिए हम क्लासरूम में चलते हैं. वंडरफुल. तो जब तक हम क्लासरूम में पहुंचते हैं, मैं देखती हूँ अनोखी भी रेडी हो गई है योगा के लिए. अनोखी, आपको आज स्टोरी याद रहेगी ना, माउस वाली? आपको स्टोरी याद रहेगी ना? यस. तो आप स्माइलिंग माउस बनने वाले हो कि क्राइंग माउस बनने वाले हो अनोखी? अरे वाह, वेरी गुड. चलो मैं धीर दीवान को भी पूछ लेती हूँ. धीर दीवान, आप स्माइलिंग माउस बनोगे कि क्राइंग माउस बनने वाले हो? अरे वाह, वेरी गुड. चलो अभी योगा करने के लिए हम जा रहे हैं क्लासरूम में. रेडी हो जाओ बच्चों. आज का हमारा पहला योगा है जिराफ पोज. पहले आप मैट पे स्ट्रेट खड़े रह जाइए, फिर अपने दोनों हैंड्स को ऊपर की तरफ माउंटेन जैसा शेप दीजिए. वेरी गुड. फिर अपनी ऊपर की बॉडी को पीछे की तरफ बेंड कीजिए. धीरे धीरे बेंड कीजिए. वेरी गुड. अब आप धीरे धीरे रिलीज हो जाइए. वेरी गुड. अब हमारा दूसरा योगा है सी लायन पोज. पहले आप मैट पे स्ट्रेट खड़े रह जाइए, फिर धीरे धीरे उल्टा लेट जाइए, एकदम धीरे धीरे. फिर अपने दोनों हैंड्स को अपने शोल्डर के लेवल में लाइए और ऊपर की तरफ कीजिए. वेरी गुड. ये सब आपको धीरे धीरे करना है. अपने फेस को धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाइए. वेरी गुड. ये हो गया हमारा सी लाइन. अब आप धीरे धीरे रिलीज हो जाइए. अब हमारा तीसरा योगा है टाइगर पोज. पहले आप स्ट्रेट खड़े रहिए, फिर अपनी नीस पर नीचे बैठ जाइए, फिर अपने पाम को मैट पे टच कीजिए. वेरी गुड. फिर अपने राइट लेग को पीछे की तरफ स्ट्रेट कीजिए. इसे हमें बैलेंस करना है. और अपने राइट हैंड को आगे की तरफ स्ट्रेट कीजिए. इसमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है. वेरी गुड. अब आप धीरे धीरे रिलीज हो जाइए. तो ये थे हमारे तीनों योगा आज के. थैंक यू सो मच बेटा प्रमन, इतने अच्छे और इजीली आसन दिखाने के लिए. तो सारे बच्चे जो हमको देख रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा योगा, ये तो सारे इजी पोजेस हैं आपको करने हैं. और अब आप लोग सब रेडी हो जाइए क्राफ्ट के लिए. तो आप लोग सब टीचर्स के लिए कार्ड बनाने वाले हो ना. कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने बैज बनाया था टीचर्स डे का, वो भी आप वीडियो देखना, हमने यूट्यूब में डाला हुआ है. आप चाहे तो वो बना सकते हैं. और ये जो मीता दीदी आज दिखाने वाले हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल टीचर्स डे का कार्ड है. तो आप पहले देख लीजिए और बाद में आप सारे टीचर्स के लिए बना भी सकते हैं.
मैंने यहाँ पे रेड पिंक ब्लू येलो और छोटा सा थैंक यू कलर का पेपर लिया है। आपके पास अगर ये कलर ना हो तो आपकी चॉइस से कोई भी कलर का यूज कर सकते हो। इसके साथ हम स्केच पेन, पेंसिल, फेविकॉल और सीजर का यूज करेंगे। बच्चे जब सीजर का यूज करे तो पेरेंट्स उसके साथ रहें। पहले हम येलो पेपर पर फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसको हम स्केच पेन से इसकी बॉर्डर बना देंगे। और मिडल में छोटे छोटे डॉट्स बना देंगे और फिर उसे हम फिर ब्लू पेपर में से हम ऐसे स्ट्रिप्स कट कर लेंगे और पिंक पेपर में से हम ऐसे लाइन बना के उसको हम इसे कट कर लेंगे और फिर मिडल में से यहाँ पे स्लांटिंग में थोड़ी सी कट करके पेंसिल का पॉइंट बना देंगे और फिर उसमें हम कोई भी डिजाइन बना के उसको पेंसिल को डेकोरेशन कर देंगे और फिर ये वाले पेपर में हम टीचर्स के लिए मैसेज लिख देंगे। यहाँ पे मैंने फ्लावर और अलग अलग टाइप की पेंसिल को कट करके रखा है और येलो पेपर में टीचर्स के लिए मैसेज भी पूरा मैसेज राइट करके रख दिया है। और ये वाले पेज को हम ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम फेविकोल पेस्ट कर देंगे और फिर ये रेड कलर का A4 साइज का पेपर है उसको हम ये बीच में से फोल्ड करके कार्ड बना देंगे और ये जो हमने कट किया है इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ब्लू पेपर में से मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की स्ट्रिप्स कट करके रखी है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। मैं यहाँ से फेविकोल से पहले लाइन बना देती हूँ और फिर उसके ऊपर में ये ब्लू वाले स्ट्रिप्स को स्टिक कर देती हूँ। और फिर जो ये एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स है वो मैं कट कर लूंगी और फिर ये येलो वाला फ्लावर को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी और फिर ड्राई होने के लिए हम छोड़ देंगे और फिर ये मैसेज हमने लिखा है वो पीछे की साइड हम यहाँ पे फेविकोल लगा के वो हम स्टिक कर देंगे और फिर ड्राई होने तक छोड़ रख देंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये कार्ड बना के रखा है उसमें हम ये ड्राई हो गया है उसमें हम यहाँ पे पेंसिल को रख देंगे और ये हो गया हमारा टीचर्स डे कार्ड।
बच्चे जब ये एक्टिविटी करें तो पेरेंट्स उसकी फोटो और वीडियो बनाए और स्मॉल मैनर्स फेसबुक पेज पे पोस्ट करें और टैग भी करें. थैंक यू. थैंक यू सो मच मीता दीदी, आपने बहुत ही अच्छा कार्ड हमें सिखाया बनाने के लिए. वंडरफुल. तो ये कार्ड आपने दिखाया, बहुत मजा आया हमको. और थैंक यू मीता दीदी. मैं मुझे पता है सारे बच्चे कार्ड ये घर पे बनाएंगे. और अब हम चलते हैं क्लासरूम में फिर से गेम खेलने के लिए, जहाँ पे एक बहुत अच्छी गेम लेकर मुस्कान दीदी रेडी है. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हैप्पी टीचर्स डे. आप सब कैसे हो? आज मैं आपके लिए फिर से नई वाली और मजेदार एक गेम लेकर आई हूँ जिसका नाम है पेस्ट इट ट्राई. अब ये कैसे खेलिए ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ये मैंने यहाँ पे कौन सा पिक्चर लिया है? बीच एनिमल इज दिस एनिफॉन. इसका कलर कौन सा है? ग्रे कलर. और इसके कितने लेग्स हैं? 1, 2, 3 and 4. और एलिफेंट की एक लंबी ट्रंक भी है और इसके वाइट शार्प टीथ भी है. और एलिफेंट की ये आईज है और ये ईयर्स भी है. और इस पिक्चर में एलिफेंट का क्या मिसिंग है बताओ बताओ? इसमें एलिफेंट की टेल ही नहीं है. तो हमें इसमें क्या करना है? हमें इसकी टेल यहाँ पे 1 मिनट के अंदर यहाँ पे स्टिक करनी है. कैसे करनी है? पहले हम ये टेल को थोड़ा सा गम लगा देंगे. फिर अभी मैं अपनी आईज क्लोज करती हूँ. अभी मैं अपनी आईज क्लोज करती हूँ और 1 मिनट के अंदर मेरे को ये टेल उसकी जगह पर मेरे को लगानी है. चलो शुरू करें. चलो 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 लगाओ लगाओ जल्दी जल्दी. लगा ली मैंने. वेरी गुड. चलो देखो तो ओहो ये तो मैंने यहाँ पे रॉन्ग जगह पे टेल लगा दी. चलो भी यहाँ से निकालो. अभी पहले पिक्चर को मैं बराबर अच्छे से देख लूं और उसको मेरे को राइट जगह पे मेरे को उसकी टेल लगानी है. चलो भी मैं फिर से करती हूँ. अपनी आईज क्लोज करती हूँ और मेरे को उसकी टेल उसकी सही जगह पे लगानी है. यहाँ पे यस लग गई. चलो देखो. हाँ यहाँ पे उसकी टेल लग गई ना. तो हमें ऐसे अलग अलग पिक्चर्स लेने हैं. मैंने यहाँ पे ऐसे अलग अलग पिक्चर्स लिए हैं. हॉर्स का लिया है, डॉग का लिया है, जिसकी हमें यहाँ पे टेल कट करके और यहाँ पे लगानी है. और मैंने यहाँ पे ऐसा मम्मा का भी पिक्चर लिया है और उसमें आप बिंदी भी लगा सकते हो. ऐसे आप अलग अलग वेरिएशन में पिक्चर ले सकते हो और उसकी टेल लगा के या बिंदी लगा के आप खेल सकते हो. अगर आप पिक्चर्स के प्रिंट नहीं निकाल सकते तो आप घर पे भी ड्राइंग बुक पे ड्रॉ करके कट करके ऐसे मम्मा पापा के साथ खेल सकते हो. तो मजा है नहीं नई गेम में? आप ये गेम घर पे मम्मा पापा के साथ जरूर खेलना. बहुत अच्छी गेम मुस्कान दीदी. मुझे याद है जब मैं छोटी थी मैंने ये गेम बहुत खेली है. हमारे टीचर ब्लैक बोर्ड पे ऐसा एलिफेंट ड्रॉ कर देते थे और फिर हम आईज क्लोज करके उसकी टेल हमको चौक दे देते थे हाथ में और फिर हम आईज क्लोज करके उसकी टेल बनाते थे. तो कभी उसकी टेल उसके लेग्स पे बन जाती थी, कभी उसके टीथ पे, कभी उसके बॉडी पे, लेकिन सही जगह पर तो कभी नहीं बनती थी. और बहुत मजा आता था. इस गेम में जजमेंट बहुत जरूरी है. तो आपने एलिफेंट दिखाया, ऐसे हम डॉग का पिक्चर भी ले सकते हैं, हॉर्स का भी ले सकते हैं, एक मम्मी का पिक्चर लेकर उस पर बिंदी भी पेस्ट कर सकते हैं. तो बच्चों घर पे ये आप जरूर से ट्राई करना. आई होप कि आपको मजा आया होगा. सबसे पहले मैं सबको लेना चाहती हूँ ग्रिड पे ताकि मैं सबको हाय और बाय बोल सकूं. सो काव्या बाय, अनोखी बाय, रिया फातिमा बाय, प्रणय बाय, धीर दीवान बाय बाय. और फिर से हम मिलेंगे अगले सैटरडे को प्ले डेट 11 में. ठीक है. बाय चिल्ड्रन. थैंक यू.